हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के सिस्टम नेविगेशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है नेविगेशन, ठीक है। इस तरीके से आप नेविगेशन लिखेंगे तो आपको नीचे की साइड ये नेविगेशन मोड का ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको फोन डायरेक्टली आपको इसकी सेटिंग में लेकर आएगा। नेविगेशन मोड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस वाले पेज में आपका जो है ना पहले से ये 3 बटन नेविगेशन के सामने टिक मार्क पहले से लगा हुआ रहता है, तो इसे आपको जेस्चर नेविगेशन के सामने वाले सर्कल पर टिक मार्क लगा लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन का सिस्टम नेविगेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिस्टम नेविगेशन चेंज हो जाने से आपके मोबाइल फोन के सबसे नीचे से यहां से तीनों बटन गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको अपने मोबाइल फोन को अब जो है यूज कैसे करना है। देखिए, मोबाइल फोन का जो लेफ्ट साइड होता है ना, इसमें आप ऊपर से नीचे कहीं से भी आप किनारे से उंगली को ऐसे खींचिए और छोड़ देना है तो आपका फोन बैक पेज पे आ जाता है। इसी तरीके से आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, ऐसे कहीं से भी आप उंगली को ऐसे खींचिए और छोड़ देना है तो आपका फोन तब भी बैक पेज पे आ जाता है, ठीक है। और देखिए, मोबाइल फोन के सबसे नीचे बीचों बीच से ऐसे ऊपर करना है तो और ऐसे करके छोड़ देना है तो आपका फोन इस तरीके से ओवरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोन के सिस्टम नेविगेशन को चेंज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है।